तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन, और अब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद के स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स को समझेंगे। इसके लिए आप एक छोटी सी बात याद करिए, जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जब मैं आपको रिप्रोडक्शन के बेसिक्स बता रहा था, तो कभी ना कभी मैंने आपको एक बात बताया होगा कि अगर कभी भी टाइप्स या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो हमारे पास सिर्फ दो ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं का भी हो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई टू वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। वन इज गेमिटोजेनेसिस, विच इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स, एंड फॉलोड बाई द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट जरूर बनेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिफाइनिंग इवेंट हो गया, इसीलिए हम लोग इसके बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन फेजेस में पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कभी आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म आते ही आपको एक बात तुरंत समझ जानी चाहिए कि यहां पे फर्टिलाइजेशन जरूर हो रहा होगा। फर्टिलाइजेशन जरूर हो रहा होगा, और फर्टिलाइजेशन जब होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन जब होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन फेज। और फर्टिलाइजेशन के पहले के फेज को मैं बोल रहा हूं प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और फर्टिलाइजेशन के बाद को मैं बोल रहा हूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। इसका मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन मेन फेजेस हो गए। द फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन फेज, एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। और अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें एक्सक्लूसिवली विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया था इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द रीजन फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस ट्वाइस एट अ टाइम, एक ही समय पे एक ही फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर दो तरीके के फ्यूजन्स हो रहे हैं, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो एक टाइम पे एक साथ एक ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर दो तरीके के फ्यूजन्स हो रहे हैं, इसलिए हम लोग फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और ये एक पेक्यूलियर फीचर भी है किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। मतलब कि अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो इसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, एंड इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स, वन इज सिंगैमी एंड सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सिंगैमी में एक मेल गैमेट, विच इज एक्चुअली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉलिन ट्यूब अप टू ओव्यूल, फ्यूज करता है विद द फीमेल गैमेट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, व्हाट इज कॉल्ड एज जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जबकि ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमीट फ्यूज करता है सेंटर पे प्रेजेंट दो पोलार न्यूक्लियाई के साथ, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज मोस्ट फेमसली एब्रिविएटेड एज पेन।
अगर हम इसकी पोलाइडी की बात करें तो आपको पता है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, कहीं कभी गैमेट हो वो हैप्लॉयड होगा, तो दोनों फ्यूज करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसा होगा, 2n यानी डिप्लॉयड होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। और ये जो जाइगोट है इसके फेट की अगर मैं बात करूं तो जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, इसको मैं बोल रहा हूं एम्ब्रायो, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो जो है इसमें मल्टीपल सेल्स होंगी, यानी मैं कह रहा हूं कि ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। तो दो बात मैंने आपसे करी कि डबल फर्टिलाइजेशन में दो तरीके के फ्यूजन हो रहे हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है जिसकी वजह से जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, और जाइगोट को कन्वर्ट होना है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रायो। तो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जाइगोट, इसको कन्वर्ट होना है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में। तो एक सेल से कई सारी सेल सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगी, और कोई भी सेल डिवीजन हो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, यानी एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए जाइगोट के पास फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट। और एनर्जी आती कहां से है, फूड के ऑक्सीडेशन से, यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर फूड का सोर्स होना चाहिए तभी इसको प्रॉपर एनर्जी मिल सकती है, तभी जाकर के प्रॉपर तरीके से जाइगोट डिवाइड कर सकता है। इसमें जाइगोटिक माइटोसिस होगी, क्लीवेज होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर को मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना है, इसलिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी आएगा फूड से, यानी कि एक फूड का सोर्स होना चाहिए। द मीन इज दैट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट देयर शुड बी अ न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर हियर, एक न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए जो कि इसको क्या प्रोवाइड करे, नरिशमेंट प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे, ताकि इसको प्रॉपर एनर्जी मिल सके, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ट्रिपल फ्यूजन में ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं और ये स्ट्रक्चर बन रहा है। और इसके पोलाइडी की अगर हम लोग बात करें तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये गैमेट है तो हैप्लॉयड होगा, और पोलार न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, n प्लस n होगा। तो तीन तरीके के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं तभी इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। तो तीन तरीके के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे तो इसकी जो पोलॉयडी होगी ये 3n होगी, यानी कि ये ट्रिप्लॉयड होगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो सेंट्रल सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, पैक। और अगर हम इसके पोलॉयडी की बात करें तो ये भी कैसा होगा, ये सेल भी कैसी होगी, ट्रिप्लॉयड। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगी, इसमें माइटोसिस होगा और एक ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, एंड ऑल दीज सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ टिश्यू आर हाईली न्यूट्रिटिव। ये जो सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसमें माइटोसिस होगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगी जो कि न्यूट्रिटिव इन नेचर होगी, और इस ग्रुप ऑफ सेल को मैं बोल रहा हूं एंडोस्पर्म, इसको मैं बोल रहा हूं एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म में जो भी सेल्स होंगी, क्योंकि ये एंडोस्पर्म टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, और इसमें जितनी भी सेल्स हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, दे आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल्स। और ये जो एंडोस्पर्म है, इस वजह से इस जाइगोट को, या समझ लीजिए इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, नरिश करना शुरू कर देगा। तो अब आपको इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ सिनगैमी की तो आपको पता है कि सिनगैमी में जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है। नई जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए जाइगोट का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाइगोट एक वाइटल लिंक है दो जनरेशन के बीच में। तो जाइगोट का फॉर्मेशन सिनगैमी के थ्रू हो रहा है, ये बात हमको समझ में आती है कि नए प्लांट के प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। लेकिन ये ट्रिपल फ्यूजन क्यों हो रहा है,
तो इस ट्रिपल फ्यूजन का सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पेन एंड सेंट्रल सेल विल कन्वर्ट इनटू पेक और पेक इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स जिसको हम लोग क्या बोल पा रहे हैं एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म जो है ये नरिश करना शुरू करेगा किसको, जाइगोट को, तभी जाइगोट में प्रॉपर तरीके से माइटोसिस हो पाएगी और प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो पाएगा, प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन का सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रिपल फ्यूजन का सिग्निफिकेंस हमको समझ में आ गया कि अगर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है तो एंडोस्पर्म बन पा रहा है जो कि एक फूड सोर्स है, जो कि एक न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर है, जो कि नरिश करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो या जाइगोट को, ताकि प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो पाए। तो दो बातें हमने समझी, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस, और पेक का एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट। मैंने ये बोला आपसे कि जो जाइगोट है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एम्ब्रायो में, और ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बार बार माइटोसिस होगी, सेल डिवीजन होगा, एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए फूड चाहिए, तो एक फूड का सोर्स भी होना चाहिए और ये रहा आपका फूड का सोर्स, दैट इज एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है इस कन्वर्जन में या इस डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, यानी कि इसको नरिश करेगा जाइगोट को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और ये जो एंडोस्पर्म है ये बना किससे है, पेक से, विच स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो दो प्रोसेस हमने आपको बताई, फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट। और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में थ्रू द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उस टाइम में जो फ्लावर का ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन ओवरियन लॉक्यूल, ये ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड में। तो आपको पता है कि ये ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल सीड में तब कन्वर्ट होगा जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और जाइगोट एम्ब्रियो में प्रॉपर तरीके से तब कन्वर्ट हो पाएगा जब ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को नरिश कर पाए बहुत अच्छी तरीके से। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कन्वर्जन के लिए ये वाला कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब ये कन्वर्जन होगा तो ये दोनों कन्वर्जन होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जाइगोट कब बन रहा है, जब ये वाली प्रोसेस हो रही है सिंगैमी, और इसी को हम जनरेटिव या ट्रू फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन पे, फर्टिलाइजेशन विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, जिसको हम लोग क्या बोल पाते हैं, जाइगोट बोल पाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है, तो ये सारे कन्वर्जेंस, ये सारे इवेंट्स जो हैं ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे, ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे। जैसे कि ये चारों के चारों इवेंट्स की हम बात करें, फर्स्ट इवेंट जिसमें कि पेक कन्वर्ट हो रहा है एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जाइगोट कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड, ये सारे के सारे चारों की चारों प्रोसेसेस हो रही हैं एक्चुअली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसी वजह से इन चारों इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और एंडोस्पर्म, एम्ब्रायो, फ्रूट, सीड, ये चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, हमने आपसे ये बोला कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट, मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड, ये चारों की चारों प्रोसेसेस होंगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसलिए हम इन चारों इवेंट्स को क्या बोल रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और ये चारों स्ट्रक्चर्स एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, फ्रूट्स, सीड्स बनेंगे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो हम इनको क्या बोल पाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को के बाद देखने को मिलेंगे उनको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्ट्रक्चर्स। तो इन चारों इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इन चारों स्ट्रक्चर्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, और हम लोग
आज इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक जरूरी बात आपको यहाँ पे ये समझना है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये वाला कन्वर्जन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पहले होता है। और उसके बाद जाइगोट जो है उसमें जाइगोटिक माइटोसिस स्टार्ट होगी, क्लीवेज होगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था हमको पहले करना है जाइगोट के। और जो खाने पीने वाला सामान है वो कौन सा है, एंडोस्पर्म। तो न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर पहले डेवलप होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। यानी सबसे पहले स्टार्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो सबसे पहली प्रोसेस या इवेंट हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले पढ़ते हैं। इसको पहले क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज लाइकली इट इज अकरिंग बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले ये हो रहा है तब मैं इसको पहले पढ़ना अच्छा समझ रहा हूं, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा तब जाकर के ये नरिश करना शुरू करेगा जिसको एम्ब्रियो को या जाइगोट को, तब जाकर के प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। और एनसीईआरटी भी ये बात कह रही है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। पहले एंडोस्पर्म बनेगा उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इसको थोड़ा सा और आसान करता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। सपोज दिस इज योर सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल है। आपको फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर या उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से आता है, 7-celled 8-nucleated स्ट्रक्चर होता है। मतलब देयर आर 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट ओवर हियर एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट ओवर हियर एट ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रल सेल। और यहां पे नीचे प्रेजेंट होंगी 2 साइनर्जिड्स एंड देयर इज योर सिंगल एग शेल। और ये 7-celled 8-nucleated स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। सपोज इसमें पॉलन ट्यूब एंटर करी और 2 मेल गैमेट्स रिलीज करें। आपको पता है कि एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा इस फीमेल गैमेट के साथ और एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और ये दोनों साइनर्जिड्स क्या हो जाती हैं, आपको पता है, डीजनरेट हो जाती हैं। और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएंगे, विच रिजल्ट्स इन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट, जो कि कैसा होगा, 2n। प्रोसेस को बोलेंगे सिंगैमी। और एक मेल गैमेट इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ आपस में फ्यूज कर जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस। और इस ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस को मैं बोल रहा हूं पेन, विच स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और हमने आपको बताया कि ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, क्योंकि एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस को बोलेंगे। तो एन 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 क्या हो जाएगा, 3n, यानी ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो इसकी ये जो सेल है जिसको अभी तक हम सेंट्रल सेल बोलते थे,
अब इस सेंट्रल सेल को मैं बोल रहा हूं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके न्यूक्लियस को क्या बोल रहा हूं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो गई किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में होगा माइटोसिस, इसमें होगा माइटोसिस, और माइटोसिस के थ्रू इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगी, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, एंड इस ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू को मैं बोल रहा हूं एंडोस्पर्म, इसी को मैं बोल रहा हूं एंडोस्पर्म, एंड ऑल द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टिश्यू और एंडोस्पर्म आर फिल्ड विथ रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये सारी की सारी सेल्स जो एंडोस्पर्म में है, जो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के डिवाइड होने से माइटोसिस की वजह से बनी हुई हैं, ये सारी की सारी न्यूट्रिटिव होंगी, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इसमें ढेर सारा क्या होगा रिजर्व फूड मटेरियल होगा, और ये रिजर्व फूड मटेरियल यूज कर लिया जाएगा नरिशमेंट के लिए या न्यूट्रिशन के लिए डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू। यानी ये एंडोस्पर्म जो है ये जायगोट को नरिश करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ताकि ये जायगोट बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट हो पाए एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं एम्ब्रियो, और यही एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को भी क्या करेगा नरिश करेगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से समझ में आ गया कि इस एंडोस्पर्म का फेट क्या है। एंडोस्पर्म पहली चीज तो समझ में आना चाहिए कि बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बार बार माइटोसिस की वजह से, और ये एंडोस्पर्म में सारी की सारी सेल्स न्यूट्रिटिव होंगी, स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा, और ये नरिश करेंगे जाइगोट को ताकि प्रॉपर तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके, और ये नरिश करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एक बात और आप समझिए कि कोई सा भी डिवीजन हो, मैं यहाँ माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, मियोसिस ही हो लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है, मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, आपको पता है कि यहाँ पे दो फेजेस में कंप्लीट होता है कोई भी सेल डिवीजन। एक जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन को और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को बोलेंगे। ये हम 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यहां पे हमको समझना ये है कि ये जो माइटोसिस है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में हो रही है ताकि एंडोस्पर्म बन पाए, ये तीन तरीके से हो सकती है। द वेरी फर्स्ट एंड विच इज मोस्ट कॉमन इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज एफ एंड डी विच स्टैंड्स फॉर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन दैट टाइप ऑफ माइटोसिस के इज नॉट फॉलोड बाय सी, के इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सी। द मीन इज दैट इन केस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स एवरी कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और इस तरीके के माइटोसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अभी बाद में ये और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि प्रॉपर माइटोसिस हो, नॉर्मल माइटोसिस हो, जैसे कि हम लोग पढ़ते चले आए हैं नॉर्मल माइटोसिस हो, इन विच एवरी कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन हो उसके तुरंत बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाए नॉर्मल माइटोसिस जैसा कि होता है सेल डिवीजन के टाइम पे नॉर्मल माइटोसिस के थ्रू। या फिर एक तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कुछ प्लांट्स में जो कि इन दोनों के बीच का स्टेटस है, उसमें नॉर्मल माइटोसिस भी होगी और एफएनडी भी होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा। जो फर्स्ट माइटोसिस है, जो पहली बार का डिवीजन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, वो नॉर्मल होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फर्स्ट टाइम पहली माइटोसिस में डिवाइड करेगी नॉर्मल माइटोसिस के थ्रू। द मीन इज दैट कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, दो सेल्स बन जाएंगी। फिर उसके बाद दोनों सेल्स
में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी वहां पे नॉर्मल माइटोसिस भी हो रही है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच का स्टेटस है इंटरमीडिएट स्टेटस है, तो यहां पे हम इस डिवीजन को या इस डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट डेवलपमेंट। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस बाद में होगा। इस माइटोसिस को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू जो इससे एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। नॉर्मल माइटोसिस होगा, एवरी के इज फॉलोड बाई सी, तो प्रॉपर सेल्स बनती चली जाएंगी, इंडिविजुअल प्रॉपर सेल्स बनती चली जाएंगी, तो नॉर्मल माइटोसिस के थ्रू इससे जो एंडोस्पर्म बनेगा जिसमें प्रॉपर सेल्स बनेगी उस एंडोस्पर्म को हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। और जिनमें नॉर्मल माइटोसिस होगी पहली बार और बची हुई फ्रॉम द सेकेंड माइटोसिस टू ऑनवर्ड फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे यानी इंटरमीडिएट डेवलपमेंट होगा, तो इसके थ्रू जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। तो इतनी बेसिक बातें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो बिलीव मी आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट थी, ये बड़ी वाली लार्ज सेंट्रल सेल थी, यहाँ पे दो साइनाइड्स एक एक सेल थी, यहाँ पे तीन एंटीपोडल्स थी, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई थे, जब पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे दो मेल गैमेट्स आए तो एक मेल गैमेट्स उस टाइम पे दोनों साइनाइड्स डिजनरेट हो गई, एक मेल गैमेट एक साल के साथ फ्यूज करके जायगोट बना लिया, एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके पेन बना लिए, एंटीपोडल्स भी डिजनरेट हो गई। अब ये जो न्यूक्लियस है इसको हम पेन बोल रहे हैं और इसकी ये पूरी बड़ी वाली सेल को हम लोग पैक बोल रहे हैं। अब इसमें होगी माइटोसिस जिसके थ्रू ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, और उस टिश्यू में सारी के सारी सेल्स न्यूट्रिटिव होंगी, रिच होगी न्यूट्रिएंट में, और ये जाइगोट को और एम्ब्रियो को नरिश करना स्टार्ट कर देंगी। फिर मैंने आपको बताया कि माइटोसिस हो या कोई भी सेल डिवीजन हो उसमें ये दो फेजेस जरूर होंगी, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। लेकिन समझना हमको यहाँ पे ये है कि यहाँ पे माइटोसिस जो पेक में हो रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रॉपर एंडोस्पर्म, पेक में जो माइटोसिस हो रही है वो तीन तरीके से हो सकती है। कुछ प्लांट्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एंडोस्पर्म जो बनेगा उसको फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। कुछ प्लांट में प्रॉपर नॉर्मल माइटोसिस होगी, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे इस माइटोसिस के थ्रू जो एंडोस्पर्म डेवलप होगा, और कुछ प्लांट्स में दोनों के बीच का स्टेटस हमको देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म बोलेंगे इस तरीके के डेवलपमेंट को, इस तरीके से जो एंडोस्पर्म डेवलप होगा उसको इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म बोलेंगे। अब वन बाय वन मैं बहुत तेजी से आपको इन तीनों तरीके से एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है वो सिखा रहा हूं। ये एक थीम हमारे माइंड में क्लियर हो गई कि एक हमारे पास पिक होनी चाहिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होनी चाहिए जिसमें बार बार तीन तरीके से माइटोसिस हो सकती है अलग अलग प्लांट्स स्पीसीज में, और फाइनली उससे क्या बन जाएगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म बन इसलिए रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन की जरूरत है जाइगोट को फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले डेवलपमेंट के टाइप की अगर मैं बात करूं तो समझ लीजिए कि ये क्या है आपका पेक, ये क्या है पेक, सपोज दिस इज योर पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड द डिप्लॉयड जाइगोट इज प्रेजेंट ओवर हियर। अब ये जो पेक है ये डिवाइड करेगी, सपोज आप ये समझ लीजिए नॉर्मल ये एक सेल है और इस सेल का ये न्यूक्लियस है, सेल को हम पेक बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके न्यूक्लियस को पेन बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सेल डिवाइड करेगी तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, अभी मैंने आपको बताया कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो इस सेल को अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसके न्यूक्लियस को डिवाइड करना होगा। तो डिवीजन यहां पे कौन सा वाला हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि माइटोसिस में या किसी भी सेल डिवीजन में पहले क्या होगा,
कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, लेकिन यहां पे कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। सपोज दिस इज योर पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियाई बन गए, दो, वन टू, ये दो न्यूक्लियाई बन गए, और यहां पे प्रेजेंट है आपका जाइगोट। जाइगोट अब इन दोनों न्यूक्लियाई के चारों तरफ अभी वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, उसके पहले ही बार बार ये जो न्यूक्लियाई है डिवाइड होते रहेंगे, एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई बने, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने, अब दो न्यूक्लियाई से चार न्यूक्लियाई बन गए इस तरीके से, फिर चार डिवाइड करेंगे आठ बनेगा, इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे इनॉर्मसली इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, क्योंकि यहां पे रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हो रही है विच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें बार बार कैरियोकाइनेसिस हुई, मल्टीपल न्यूक्लियाई बन गए एक सेल के अंदर, तो ये जो सेल है जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल रहे हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, तो क्या मैं इस सेल को मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलूंगा, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं सिंसाइटियल स्टेज। अब यहां पे बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रहे होंगे, तो ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं इस पेक के साइटोप्लाज्म में, ऑल दीज न्यूक्लियाई आर फ्री टू मूव, दे कैन फ्रीली मूव, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं साइटोप्लाज्म में पेक के। तो सारे के सारे ये जो न्यूक्लियाई हैं ये पेक के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहेंगे हियर एंड देयर, यानी कि सारे के सारे न्यूक्लियाई फ्री हैं मूव करने के लिए। दैट इज वाई इस माइटोसिस को मैं बोल रहा हूं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि न्यूक्लियस यहां पे फ्री है इस साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट के लिए, तो इस डिवीजन को, इस माइटोसिस को मैं बोल रहा हूं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आई होप अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम क्यों फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टर्म यूज कर रहे हैं। अब बेसिक सी बात समझ में आती है आपको बहुत अच्छे से कि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर पे सेल के, और अगर वो इनलार्ज होगा तो सेंटर पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पेरिफेरी की तरफ मूव करने लगेंगे, तो ये जितने भी न्यूक्लियाई सेंटर पे प्रेजेंट हैं ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो सेंटर पे प्रेजेंट हैं ये शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई शिफ्ट हो जाएंगे इस सेल के पेरिफेरी पे किनारे किनारे, सारे के सारे न्यूक्लियाई मैं बोल रहा हूं कि शिफ्ट हो जाएंगे सेल के पेरिफेरी पे, क्योंकि इस सेल के अंदर यहां पे सेंटर में एक लार्ज सिंगल वैक्यूल डेवलप होना शुरू कर रहा है या फिर प्रेजेंट होगा कह सकते हैं, तो सारे के सारे न्यूक्लियाई कहां आ गए, पेरिफेरी पे। अब स्टार्ट होगा यहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है कुछ अमाउंट इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ इंक्लोज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से जितने भी न्यूक्लियाई होंगे इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का कुछ अमाउंट सराउंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, यानी अब इस पेक का प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा और इसकी वजह से इंडिविजुअल सेल्स बनने लगे, यानी अब इसमें स्टार्ट होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, साइटोकाइनेसिस, इसको मैं बोल रहा हूं साइटोकाइनेसिस, और इतने सारे साइटोकाइनेसिस एक साथ होने लगेंगे, तो एक साथ सारे के सारे साइटोकाइनेसिस होंगे ऑलमोस्ट, इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे
साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। अगर लोकेशन की बात आपसे करी जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सेल के पिक के पेरिफेरी पे होगा, पेरिफेरी पे होगा। फाइनली जितनी भी सेल्स बनेंगी वो एक प्रॉपर ग्रुप में इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, एक प्रॉपर टिश्यू बनाएंगी, और ये सारी की सारी सेल्स जो हैं ये रिजर्व्ड फूड मटेरियल स्टोर करे रहेंगी, यानी ये हाईली न्यूट्रिटिव होंगी। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मैं बोल रहा हूँ एंडोस्पर्म, इसी ग्रुप ऑफ सेल को मैं बोल रहा हूँ एंडोस्पर्म। और जब ये एंडोस्पर्म पूरी तरीके से बन जाएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका जाइगोट, ये जाइगोट। अब ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगेगा, या ये कह लीजिए कि ये जाइगोट यहाँ से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगा, और फिर उसके बाद ये जाइगोट भी डिवाइड करने लगेगा, इसमें नंबर ऑफ सेल्स इस तरीके से बढ़ने लगेंगी, यानी ये स्ट्रक्चर जाइगोट जिसको हम बोल रहे थे अब धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें एम्ब्रियो में, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि पेक थी एक सेल, इसके अंदर पेन न्यूक्लियस, माइटोसिस होगी, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, तुरंत बाद इसके साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, यानी एक न्यूक्लियस से मल्टीपल न्यूक्लियाई बन जाएंगे रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस की वजह से, मल्टी न्यूक्लियेटेड या सिंसाइशियल सेल स्टेज आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे वैक्यूल डेवलपमेंट या एनलार्जमेंट स्टार्ट होगा, सारे के सारे न्यूक्लियाई पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, और ऐसे साइटोकाइनेसिस को हम साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। और कहाँ पे हो रहा है, सेल के पेरिफेरी पे, और जितनी भी सेल्स बनेंगी वो एक ग्रुप के फॉर्म में, टिश्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, और इस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल को, टिश्यू को, जिसमें सारी की सारी सेल्स में स्टोर्ड रिजर्व्ड फूड मटेरियल भरा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं एंडोस्पर्म, और इस माइटोसिस को हम लोग FND बोल रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि ये न्यूक्लियाई जो है ये फ्री है मूव करने के लिए साइटोप्लाज्म में। तो इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू जो ये एंडोस्पर्म बन रहा है, इस एंडोस्पर्म को मैं बोल रहा हूं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, या फिर सिंपली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से जो एंडोस्पर्म बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, या फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। मैंने आपको बताया ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सबसे जरूरी बात तो ये याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, में हमको इसी तरीके से पेक से एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रल सेल पेक में कन्वर्ट हो जाएगी, और पेक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में। और पेक से एंडोस्पर्म अगर FND के थ्रू बन रहा है तो इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू बन रहा है। और हमने आपको बताया कि इस तरीके का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कॉमन है और NCERT में भी गिवन है। तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू पेक से एंडोस्पर्म बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाएगा इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। और ऊपर हम एग्जाम्पल्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको रखने हैं, याद करने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोकोनट की, अगर मैं बात करूं कॉटन की, इसी तरीके से कैस्टर हो गया और कैप्सेला ले लीजिए, वीट ले सकते हैं आप एग्जांपल में, इस तरीके से राइस भी कंसीडर किया जा सकता है, मेज में भी, सनफ्लावर में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे जरूरी हमको
ये याद करना है, कोकोनट। तो कोकोनट वाटर आप लोग बहुत कॉमन सेंटेंस सुनते होंगे। अभी गर्मियों में इस टाइम में आप देख सकते हैं बाजार में रोड के किनारे ठेले पे ग्रीन कलर का नारियल रखा होता है, नारियल पानी आप लोग पीने जाते हो। तो बेसिकली वो जो वाटर होता है उसको हम लोग लिक्विड सिंसाइटियम बोलते हैं। जो नारियल का पानी होता है उसको हम लोग लिक्विड सिंसाइटियम बोलते हैं, लिक्विड सिंसाइटियम बोलते हैं। और ये जो लिक्विड है, जो ये कोकोनट वाटर है जो हम लोग नारियल पानी पीते हैं, इट इज बेसिकली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। डेफिनेटली इट इज रिच इन न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिटिव होगा, हाईली न्यूट्रिटिव होगा। ये इसमें बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम फूड की बात करें कि क्या क्या केमिकल नेचर हो सकता है एंडोस्पर्म की, अगर फूड की बात आती है तो हमको केमिकल नेचर भी समझ में आना चाहिए। और हमको ये समझ में आता है क्योंकि हम डाइजेशन में 11th क्लास से पढ़े थे कि फूड के तीन ही मेन सोर्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा फूड है, जो हमारी डाइट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, जैसे कि वीट और राइस की बात कर लीजिए आप, तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा ये स्टार्ची होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें स्टार्ची एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ वीट एंड राइस। इसी तरीके से अगर बात करिए किसके, मेज की, तो मेज में प्रोटीनिशियस एंडोस्पर्म होगा। और ये जो प्रोटीन है ये एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग एल्यूरॉन लेयर बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको हम लोग बाद में अगले लेक्चर में। तो एल्यूरॉन लेयर के फॉर्म में प्रोटीनिशियस एंडोस्पर्म पाया जाएगा, किसमें, मेज में। इसी तरीके से आप बात कर लिए कोकोनट ऑयल की, कैस्टर ऑयल की, जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं मार्केट में बहुत इजली। कोकोनट ऑयल आप लोग देखते हुए घर में भी मिल जाता है, इस तरीके से कैस्टर ऑयल भी घर में मिल जाता है, बियर्ड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ये यूजफुल होता है। तो अलग अलग केमिकल नेचर हो सकते हैं एंडोस्पर्म के। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल हमको याद रखना है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर। ये जो कोकोनट वाटर है मैंने आपको बताया कि इसको लिक्विड सिंसाइटियम बोलेंगे, और कोकोनट वाटर जो है, नारियल पानी जो है, ये एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, और ये बेसिक एग्जांपल्स जो है हमको याद रखने हैं। और अगर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट की बात करी जाए तो आप बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत फेमस एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोकोनट वाटर, जो नारियल पानी है वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, और ये हाईली न्यूट्रिटिव होगा, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और डिफरेंट केमिकल नेचर के हो सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स में एंडोस्पर्म, डिफरेंट प्लांट में एंडोस्पर्म। अब मैं अगर बात करूं सेकेंड टाइप के डेवलपमेंट की, तो समझ लीजिए कि ये रही आपके सेल दोबारा से, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसी को क्या बनाना है, एंडोस्पर्म बनाना है। एंड हेयर इज योर पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दोनों ही ट्रिप्लॉयड है, और यहां पे पड़ा हुआ है बेचारा जाइगोट। अब फिर से वही बात आती है कि ये एक सेंट्रल सेल है जिसको अब हम क्या बोल रहे हैं, पैक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब दोबारा से वही बात आती है कि अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को डिवाइड करना है तो पहले इसके न्यूक्लियस को डिवाइड करो भाई, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यानी कि यहां पे भी माइटोसिस होगा, पहले इसमें होगा न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एंड विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, तुरंत यहां पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो ये माइटोसिस क्या हो गई, नॉर्मल माइटोसिस हो गई, नॉर्मल माइटोसिस हो गई। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड किया, यानी ये एक सेल है जिसमें माइटोसिस हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसमें न्यूक्लियस था एक, सपोज ये न्यूक्लियस है, डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुई, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुई, दो न्यूक्लियाई बन गए, एक न्यूक्लियाई ये और एक न्यूक्लियाई ये, तुरंत यहां पे सेल का साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
कितनी सेल्स बन जाएंगी, दो सेल्स बन जाएंगी, और यहां पे प्रेजेंट है जाइगोट, तो कितनी सेल बन गई यहां पे, दो सेल बन गई। फिर उसके बाद दोबारा माइटोसिस होगी, मैंने आपको बताया कि कई बार माइटोसिस होगा यहां पे क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होना है। दोबारा माइटोसिस होगी तो कैरियोकार्य से सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक न्यूक्लियस से वापस से यहां पे दो न्यूक्लियाई बन गए। इस तरीके से ये भी जैसे ही दो न्यूक्लियाई बने तुरंत यहां पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। इस तरीके से यहां पे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने तुरंत साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। फिर यहां पे अगर कह लीजिए आप एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने तुरंत साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। इससे मान लीजिए दो न्यूक्लियाई बने तुरंत यहां पे सेल डिवीजन, इससे दो न्यूक्लियाई बने एक न्यूक्लियस से कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस, मान लीजिए ये डिवाइड किया कैरियोकाइनेसिस के बाद। तो इस तरीके से यहां पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगी वैसे तुरंत यहां पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। द मीन इज दैट इन केस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एवरी के इज इमीडिएटली फॉलोड बाई सी विच रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर इंडिविजुअल सेल्स। ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स प्रॉपर इंडिविजुअल सेल्स बन रही हैं, प्रॉपर इंडिविजुअल सेल्स बनती चली जा रही हैं, और ये सारी की सारी जो सेल्स हैं, ये सारी की सारी जो सेल्स हैं ये एक प्रॉपर ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, और इस ग्रुप ऑफ सेल को, इस टिश्यू को हम लोग फिर से क्या बोल रहे हैं, एंडो स्पर्म बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। और अभी भी इन सारी की सारी सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ होगा, और ये रिजर्व फूड मटेरियल यूज करेगा यहाँ पे ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है ये यूज करना शुरू करेगा। फिर इस जाइगोट में मियोसिस होने लगेगी, सॉरी माइटोसिस होने लगेगी, मियोसिस नहीं, जाइगोटिक माइटोसिस क्लीवेज होने लगेगा, और ये जो जाइगोट है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। तो चूंकि यहां पे जो माइटोसिस हो रही है पेक में, पेक को कन्वर्ट होना है एंडोस्पर्म में, और पेक में जो माइटोसिस हो रही है उसमें कैरियोकाइनेसिस हो रही है, तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो जा रही है। एवरी के इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सी, इसकी वजह से बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, प्रॉपर इंडिविजुअल सेल्स बन रही हैं, और इसके थ्रू ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है, ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है, इस एंडोस्पर्म को हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म, मतलब कि जो सेकेंड टाइप का एंडोस्पर्म है इसको मैं बोल रहा हूं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये दूसरा तरीका है एंडोस्पर्म के बनने का, और ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है ये देखने को कहां मिलेगा, एग्जांपल की बात अगर करें, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं इसके, तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं इसके। अगेन कोकोनट, और दूसरा एग्जाम्पल पेट्यूनिया, पेट्यूनिया, और थर्ड वन इज यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। तो यहां पे तीन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं, कोकोनट, पेट्यूनिया और यूट्रिकुलेरिया। कोकोनट, पेट्यूनिया और यूट्रिकुलेरिया में हमको देखने को मिलेगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, लेकिन कोकोनट अब की बार वो वाला नहीं है जो अभी हमने फ्री न्यूक्लियर में पढ़ा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के लिए जो हमने एग्जाम्पल याद किया तो वहां पर भी हमने कोकोनट लिखाया, लेकिन जो कोकोनट वाटर है, जो नारियल पानी है, जो लिक्विड सिंसाइटियम है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। नारियल पानी जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो उसके चारों तरफ व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट कर्नेल, वो बेसिकली सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो नारियल पानी लिक्विड सिंसाइटियम जो है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और इसके चारों तरफ जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो हम लोग नारियल खाते हैं, वो क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो खाने वाला नारियल जो है इसको बोलते हैं कोकोनट कोपरा, कोकोनट कोपरा, खाने वाला नारियल कोकोनट कोपरा, कोपरा, कोकोनट कोपरा।
तो जो व्हाइट वाला पार्ट है, खाने वाला जो नारियल है, कोकोनट कोपरा, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है, जबकि लिक्विड सिंसाइटियम जो नारियल पानी है, कोकोनट वाटर है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इतना क्लियर हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सैप्रोफिटिक प्लांट्स की, सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म्स की, इसी तरीके से अगर बात कर लीजिए पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म्स की, तो सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म्स, पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म्स में भी हमको देखने को मिलता है सेलुलर एंडोस्पर्म। या एडोप्सा की बात कर लीजिए, धतूरा की बात कर लीजिए, एरिस्टोलोकिया की बात कर लीजिए, बहुत सारे प्लांट्स इसमें भी देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन सारे एग्जांपल्स हमको नहीं याद रखने हैं, कम से कम तीन एग्जांपल्स लर्न करने हैं, कोकोनट कोपरा, पेचुनिया और यूट्रिकुलेरिया। सैप्रोफाइटिक प्लांट और पैरासाइटिक प्लांट में, एंजियोस्पर्म्स में भी हमको सेलुलर एंडोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। और लास्ट में जो तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म है, जो तो ये दो तरीके का डेवलपमेंट हमने आपको बताया एंडोस्पर्म का। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के डेवलपमेंट की। समझ लीजिए कि ये है पेक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये है इस सेल का न्यूक्लियस, दैट इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। या समझ लीजिए कि ये एक नॉर्मल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है और इस सेल को डिवाइड करना है और इसमें हो रहा है माइटोसिस। तो आपको पता है कि सेल डिवीजन दो फेजेस में कंप्लीट होगी। पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस को कैरियन, और इसके डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद साइटोप्लास्ट डिवाइड करेगा और साइटोप्लास्ट के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो अगर माइटोसिस हो रही है तो पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। ये सेल थी, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था, ये डिवाइड किया, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन गए, एक ये और एक ये, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होनी चाहिए, तो तुरंत साइटोप्लास्ट डिवाइड हो गया, यानी कि साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो गई, साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो गई। तो जो फर्स्ट माइटोसिस है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो गया। द मीन इज दैट न्यूक्लियस डिवाइड किया, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मैं ये कह रहा हूं कि के इज फॉलोड बाई सी, के इज इमीडिएटली फॉलोड बाई सी। जो फर्स्ट माइटोसिस है, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने, उसके तुरंत बाद सेल डिवाइड हो गए, साइटोप्लास्ट डिवाइड हो गया, यानी साइटोकाइनेसिस हो गई। यानी ये माइटोसिस तो नॉर्मल माइटोसिस हो गई, जैसे कि नॉर्मल माइटोसिस होती है, एक न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन गए, उसके बाद तुरंत साइटोप्लास्ट डिवाइड हो गया, एक सेल से कितनी सेल बन गई, दो सेल बन गई, यानी एक सेल ये और एक सेल ये, यानी कि यहां पे टू सेल स्टेज आ गई। लेकिन अब ये जो सेल है, इसमें नॉर्मल माइटोसिस इस तरीके से ना हो करके एफ एंड डी स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें भी एफ एंड डी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये दोनों सेल्स जो हैं, नॉर्मल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड ना हो करके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू डिवाइड करना शुरू करेंगे, यानी कि ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन गए, इसमें भी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन गए। अब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी अभी तुरंत, फिर ये डिवाइड कर जाएगा एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई, ये डिवाइड कर जाएगा एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई, इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इस सेल में बढ़ते चले जाएंगे
because of repeated karyokinesis only. Similarly, इस सेल में भी repeated karyokinesis की वजह से nuclei का नंबर बढ़ता चला जाएगा. तो अभी जो माइटोसिस हो रही है इसमें K is not immediately followed by C. जैसे कि पहली बार माइटोसिस जो हुई उसमें कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो गई, दो सेल्स बन गई. अब इन दोनों सेल्स में एफ एंड डी स्टार्ट हो गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो गया. फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियाई है इनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, साइटोप्लाज्म का कुछ अमाउंट मेम्ब्रेन इनक्लोज कर लेगी और ये जो न्यूक्लियाई है ये इंडिविजुअल सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि सेल्स बनाने लगेंगी ये. यानी अब इसमें क्या होगी, साइटोकाइनेसिस. पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से इंडिविजुअल सेल्स बनती चली जाएंगी. और ये सारी की सारी जो सेल्स हैं फिर से ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें फूड मटेरियल स्टोर्ड होगा, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होगा. और इस ग्रुप ऑफ सेल को, टिश्यू को हम लोग फिर से क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म. हर एक सेल, ऑल दीज सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. अब ये जो जाइगोट है यहां से फूड लेना शुरू कर देगा और ये जो जाइगोट है फिर से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो एंडोस्पर्म बना है इस तरीके के डेवलपमेंट के थ्रू, जिसमें पहले नॉर्मल माइटोसिस हो रही है, बाद में एफ एंड डी हो रही है. शुरू में हमने पढ़ा था पहला वाला क्या था, सिर्फ एफ एंड डी हो रहा था. दूसरे तरीके के डेवलपमेंट पे हमने पढ़ा नॉर्मल माइटोसिस, लेकिन यहां पे नॉर्मल माइटोसिस भी हो रहा है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है. फर्स्ट माइटोसिस इज लाइक सेलुलर एंड रेस्ट ऑफ ऑल माइटोसिस और डिवीजन्स आर लाइक फ्री न्यूक्लियर. तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बीच का स्टेटस हो गया, इंटरमीडिएट स्टेटस हो गया. इस वजह से इस डेवलपमेंट के थ्रू ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है इसको मैं बोल रहा हूं इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म. इसको मैं बोल रहा हूं इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म. और एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि इस इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म को हम लोग हीलोबियल एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, हीलोबियल एंडोस्पर्म भी बोलते हैं. तो आपको इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म तो समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेटस है दोनों का, फ्री न्यूक्लियर का और नॉर्मल माइटोसिस सेलुलर का. तो इस वजह से इस डेवलपमेंट को हम इंटरमीडिएट या एंडोस्पर्म को हम लोग इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म बोल रहे हैं. हीलोबियल एंडोस्पर्म इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हीलोबियाई ग्रुप ऑफ मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है. मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट का एक ग्रुप है हीलोबियाई, उसमें इस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इस तरीके का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है. तो हीलोबियाई ग्रुप ऑफ मोनोकॉट्स में होने की वजह से इसको हम हीलोबियल एंडोस्पर्म बोल रहे हैं. तो ये हीलोबियाई ग्रुप ऑफ मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज हीलोबियल एंडोस्पर्म. इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीलोबियल एंडोस्पर्म बोल रहे हैं. तो तीन तरीके का एंडोस्पर्म मैंने आपको बताया, पहला न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो एफ एंड डी के थ्रू डेवलप होगा. एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने उसमें, कोकोनट, कोकोनट वाटर जो लिक्विड है, लिक्विड सिंसाइटियम है, कोकोनट वाटर है जो, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े जैसे कि कॉटन हो गया, कैप्सिला वगैरह हो गया, कुछ मोनोकॉट्स हो गए. और ज्यादातर हमने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमको यही देखने को मिलेगा. दूसरे टाइप का एंडोस्पर्म हमने पढ़ा सेलुलर एंडोस्पर्म जो कि नॉर्मल माइटोसिस के थ्रू डेवलप होगा. और सेलुलर एंडोस्पर्म कोकोनट कोपरा में, पेक्यूनिया में
और यूट्रिकुलेरिया में देखने को मिलेगा, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा, एडोप्सा वगैरह में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कम से कम हमको तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं, कोकोनट कोपरा, पेट्यूनिया, यूट्रिकुलेरिया। और तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म हमने पढ़ा इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म, जो कि इंटरमीडिएट स्टेटस है दोनों का, शुरू के दोनों का। इसी को हम लोग हीलोबियल एंडोस्पर्म इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ये हीलोबियाई ग्रुप ऑफ मोनोकॉट्स में प्रेजेंट है। इसमें पहला वाला माइटोसिस होगा जस्ट लाइक सेलुलर एंड रेस्ट ऑफ ऑल डिविजन्स आर लाइक फ्री न्यूक्लियर। पहला माइटोसिस नॉर्मल माइटोसिस होगा और उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड माइटोसिस टू ऑनवर्ड जितने भी माइटोसिस होंगे वो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। तो ये इंटरमीडिएट हो गया, ये हीलोबियाई ग्रुप ऑफ मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीलोबियल एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म बन रहे हैं तीनों तरीके से अलग अलग प्लांट्स में, इसका फेट तो हमको समझ में आता है कि ये यूटिलाइज किया जाएगा किसके थ्रू, डेवलपिंग एम्ब्रियो या जायगोट के थ्रू। तो बात आती है कि क्या हर एक प्लांट में ये पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हो जाता है, यूज कर लिया जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग द मैच्युरेशन ऑफ सीड, या फिर कुछ में बचा रहता है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें ये एंडोस्पर्म जो बन रहा है ये कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जहां पे ये परसिस्टेंट रहता है, बचा रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है एंडोस्पर्म विच इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन मे इधर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाई द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग द मैच्युरेशन ऑफ सीड लाइक इन पी ग्राउंड नट्स, पी नट्स, बीन्स, और इट मे परसिस्ट इन सम प्लांट्स लाइक इन कैस्टर, कोकोनट, इन मैच्योर सीड एंड बी यूज ऑफ ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जिसमें बचा रह जाएगा मैच्योरेशन सीड के टाइम पे, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म होगा, वो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका फेट अल्टीमेटली क्या है, ये कंज्यूम ही हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। तो एंडोस्पर्म कुछ में, कुछ सीड में नहीं देखने को मिलते हैं मैच्योर सीड में, क्योंकि उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है एंडोस्पर्म को, और ऐसे सीड को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग सीड को दो क्लास में या दो कैटेगरी में डिफाइन कर पाते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस, एक्सएल्ब्यूमिनस। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे जब सीड डेवलपमेंट या सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो। लेकिन हमको समझना यह है कि ये एंडोस्पर्म कुछ मैच्योर सीड में देखने को मिलता है, कुछ में नहीं देखने को मिलता है। जहां पे नहीं देखने को मिलेगा वहां पे डेवलपिंग एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लेगा, और जहां पे मैच्योर सीड में ये प्रेजेंट होगा वहां पे डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी तरीके से इसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और ऐसे मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है जो कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो इतनी सी बात हमको पढ़नी थी इसमें, तो इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप एक बार रिवाइज करिए तीनों तरीके का डेवलपमेंट, लेकिन शुरू से इसको लिंक करिए जैसा मैंने आपको सीक्वेंस में बताया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर स्टार्टिंग की बातें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरा थीम बताया इसको कैसे हमें लर्न करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे।